नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर एडवाइजर में। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास एक मुर्रा पशुधन है तो आप घर बैठे बैठे 30,000 रुपये तक का इनाम राशि पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हरियाणा में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि जिसके घर में मुर्रा उसका ऊंचा तुर्रा। तो जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं उससे ये बात सिद्ध हो जाएगी। अगर आपके पास मुर्रा भैंस है तो आप हरियाणा सरकार के पशुपालन विभाग या फिर कहें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की एक स्कीम से 30,000 रुपये तक की इनाम राशि पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको उस स्कीम का नाम बता देते हैं। स्कीम का नाम इस प्रकार है, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनस कैटल एंड मुर्रा डेवलपमेंट। अब इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है, इस स्कीम के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सरल हरियाणा पोर्टल पर जाना होगा। इस पोर्टल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस ऑनलाइन आवेदन को आप खुद भी घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करने के सक्षम नहीं हैं तो आप कुछ सरकारी संस्था हैं जहां जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि CSC सेंटर, अंत्योदय केंद्र, अटल सेवा केंद्र और ई दिशा सेंटर। यहां से भी आप इनको जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अप्लाई करने के लिए कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला दस्तावेज जिसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी वो है आधार कार्ड। दूसरा हो गया आपका परिवार पहचान पत्र यानी कि Family ID। तीसरा हो गया आपका पैन कार्ड। चौथा दस्तावेज़ हो गया आपका बैंक की पासबुक। पाँचवा दस्तावेज़ हो गया आपका कैंसल बैंक चेक। ये मैं आपको इसकी एक कैंसल बैंक चेक की फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस तरह का कैंसल बैंक चेक होता है, आपको अपनी चेक बुक में से एक चेक की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें ऐसे इसको कैंसल बैंक चेक बनाया जाता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एलिजिबिलिटी कंडीशन यानी कि अब आप इस को आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये क्या क्या उसमें शर्तें होती हैं। तो सबसे पहली शर्त है कि आपको हरियाणा का नागरिक होना चाहिए और आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। ये इसकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है आप एक समय में सिर्फ दो ही पशुओं के लिए इनाम पा सकते हैं, यानी कि आपके पास मान लीजिए चार भैंसे हैं और आप चारों को ही रिकॉर्डिंग कराते हैं, तो जो दो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली होंगी उन्हीं का इनाम आपको मिलेगा, चारों का नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग आप 4, 5, 6, 10 कितने भी पशुओं की करा सकते हैं, लेकिन इनाम मात्र सिर्फ आपको दो ही पशुओं के लिए मिलेगा। तीसरी चीज़, आप एक पशु की रिकॉर्डिंग पूरे जीवन काल में उस पशु के पूरे जीवन काल में दो बार करा सकते हैं, यानी कि जैसे इस ब्यांत में आपने रिकॉर्डिंग कराई, फिर आपने अगले ब्याच में रिकॉर्डिंग कराई, तो उसके बाद आप उस पशु की दोबारा कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं करा सकते। एक बात को विशेष ध्यान रखें कि मिल्क रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ भैंस मुर्रा भैंस की ही की जाएगी और किसी प्रजाति की भैंस की नहीं की जाएगी, ठीक है। अब आपकी भैंस मुर्रा है या नहीं जानने के लिए आप हमारे आई बटन में एक वीडियो देख सकते हैं, हमने एक वीडियो डाली हुई है कि प्योर मुर्रा भैंस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। आपके ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होने के बाद एक तारीख दी जाएगी आपको, उस तारीख पर पशुपालन विभाग के अधिकारी आपके पशु की मिल्क रिकॉर्डिंग करेंगे। पहले दिन वो आकर उसको खाली करेंगे, उसके बाद वो अगले दिन सुबह के दूध को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसी दिन शाम के दूध को रिकॉर्डिंग की जाएगी, फिर उससे अगले दिन के
सुबह के दूध को रिकॉर्डिंग किया जाए, यानी कि 3 बार उसके दूध को माप किया जाएगा, रिकॉर्डिंग की जाएगी। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें कि जो दूध की रिकॉर्डिंग है उसमें जो दूध है उसकी मपाई नहीं की जाएगी, यानी कि उसको मापा नहीं जाएगा कि ये कितने लीटर है, 1 लीटर, तो उसका तोल किया जाएगा कांडे पे, यानी कि उसकी कांडे पे रख के उसका वजन किया जाएगा कि इस दूध का वजन कितना है। अब हम आपको बताएंगे कि कितने वजन पे आपको कितनी इनाम राशि मिलेगी। अगर आपकी भैंस का दूध 18 किलो से 22 किलो मापा जाता है तो आपको 15,000 रुपये इनाम राशि दी जाएगी, और अगर आपके पशु का दूध 22 किलो से 25 किलो मापा जाता है तो आपको 20,000 रुपये इनाम राशि दी जाएगी, और अगर आपकी भैंस का दूध 25 किलो से भी ज़्यादा मापा जाता है तो आपकी भैंस को 30,000 रुपये इनाम राशि दी जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ज्ञान भरी वीडियो और लाता रहूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।